जय हिंद जय भारत। आज फिर 10th क्लास के मैथ में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसका बेसिक देखेंगे और चैप्टर का नाम जो है ये 7 चैप्टर है, तो इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे और इसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। और ये चैप्टर बच्चे के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, आज इसको हम आसान वे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे चतुर्थांश, उसके बाद देखेंगे दूरी सूत्र, उसके बाद देखेंगे मूल बिंदु, उसके बाद देखेंगे मध्य बिंदु। और सब सूत्र है लेकिन दूसरे क्लास में फिर उसको देखेंगे, लेकिन अभी इस चारों टॉपिक पे बातचीत करेंगे और इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले चतुर्थांश क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैट्रिक का एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है चतुर्थांश होता क्या है, और बच्चे लोग को काफी दिक्कत होता है, लेकिन आज के बाद किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये चीज हम लोग ग्राफ में भी पढ़े थे और जानते भी हैं। तो सबसे पहले ये जो होता है ये मूल बिंदु का ओरिजिन होता है, क्या होता है, और मूल बिंदु का जो ओरिजिन होता है वह 0 0 होता है। सबसे पहले इधर जब भी लिखा जाता है पॉजिटिव वाला मान प्लस वाला, और इधर जब भी लिखते हैं ऋणात्मक मान लिखते हैं, और इधर जो भी लिखते हैं पॉजिटिव मान लिखते हैं, इधर फिर निगेटिव मान लिखते हैं। 1 2 3 4 5 ये अपना मान है जहां तक ले सकते हैं, फिर इधर 1 2 3 4 5 इधर माइनस में होता है मान, 1 2 3 4 5 ये माइनस में मान होता है, सॉरी ये जो है प्लस में मान होता है। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 ये मान माइनस में आता है। सबसे पहले इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये होता वाई, ये होता वाई डैश। अब पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है, इसमें दो तरह का चीज देख रहे हैं, एक एक्स देख रहे हैं दूसरा वाई। तो क्वेश्चन आता है एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है x अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज कोटि दोनों इनमें से कोई नहीं, x अक्ष को भुज y अक्ष को कोटि। सबसे पहले इसमें तय करेंगे किस घर में क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे प्रिय छात्रों, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसमें मान जो लिखते हैं ये देखिए, सबसे पहले हम लोग कहीं भी अगर ग्राफ में भी लिखते थे एक्स का मान पहले लिखा था, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव मान है और यहां से लेकर यहां तक भी पॉजिटिव मान, इसीलिए इस घर में जो होगा पहला चतुर्थांश में पहला कोऑर्डिनेट में तो ये क्या होगा प्लस प्लस मान होगा। अब इसमें क्या होगा, पहले एक्स वाले को लिखते हैं ये माइनस में मान है, और इधर से ये वाई वाला क्या है प्लस में है, ये माइनस प्लस मान होता है। और इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, इधर से अगर एक्स वाला लिखेंगे तो माइनस होगा, इधर से भी वाई वाला लिखेंगे तो माइनस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का मान क्या होता है माइनस में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें देखो यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव मान है और यहां से यहां तक निगेटिव मान है, पहले पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है, तो देखते हैं कि एग्जाम में यहां से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आता है एक्स अक्ष को क्या कहते हैं,
दोनों और डी नंबर में रहेगा नन। तो एक्स अक्ष को क्या बताया है भूत, तो ये क्या करेंगे इसको रख देंगे या इसमें जो है टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सही है। अब क्वेश्चन आता है वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को क्या कहेंगे, तो वाई अक्ष को कहेंगे सबसे पहले तो ए नंबर में भूत, बी नंबर में कोटि, सी नंबर में दोनों और डी नंबर में नन। एक्स अक्ष को भूत, वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटि, ये बी नंबर सही है और इसको रंग देना है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक या कहीं से क्वेश्चन को उपलब्ध करके। और क्वेश्चन जो आता है ये क्वेश्चन तो अनिवार्य आता ही है। और क्वेश्चन आता है मूल बिंदु का ओरिजिन या अक्ष, मूल बिंदु का ओरिजिन क्या होता है, तो मूल बिंदु का ओरिजिन जब भी पूछेगा ये रहेगा 0 0, बी नंबर में 1 0, सी नंबर में -1 0 और डी नंबर में रहेगा नन। तो मूल बिंदु का ओरिजिन जब भी होगा ये 0 0 होता है, मूल बिंदु का ओरिजिन 0 0। और दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है देखो प्रिय छात्रों, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा 2 3 केस चतुर्थांश का किस चतुर्थांश में स्थित है, 2 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ऑप्शन रहेगा प्रथम, बी नंबर में द्वितीय चतुर्थांश, सी नंबर में तृतीय चतुर्थांश, डी नंबर में रहेगा नन। अब देखो प्लस वाला घर, तो ये 2 और 3 दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में किस क्वाड्रेंट में है, ये प्रथम में टिक कर देंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है प्रिय छात्रों। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 2 इसी में बनाएंगे, -2 और -4 केस चतुर्थांश में स्थित है, तो ए नंबर क्वेश्चन रहेगा प्रथम, बी नंबर रहेगा द्वितीय और सी नंबर में रहेगा दोनों और डी नंबर में रहेगा नन। या तो इसमें जो है एक ऑप्शन बना देते हैं सी नंबर में तृतीय। सबसे पहले दोनों एक्स और वाई दोनों का मान माइनस में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, तृतीय, ये जो है सी नंबर को क्या करेंगे रंग देंगे। और इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, ये चतुर्थांश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब देखेंगे दूरी सूत्र, तो अभी चतुर्थांश के बारे में पढ़ चुके हैं और चतुर्थांश से जो भी क्वेश्चन रहेगा इससे बाहर नहीं रहेगा और 100% का गारंटी देते हैं। और एक क्वेश्चन चतुर्थांश से और बनता है, जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है 2 6 में कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान क्या होगा, जैसे ऑप्शन रहेगा 2, बी नंबर में 6, सी नंबर में दोनों, डी नंबर में रहेगा नन। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे और पूछा भी है और देखे भी है क्वेश्चन में 2 और 6 में कोटि का मान क्या होगा विद्यार्थियों, तो सबसे पहले एक्स अक्ष को क्या करते हैं भूत और वाई अक्ष को कोटि, क्योंकि पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है तब वाई अक्ष, तो कोटि का मान क्या होगा 6 होगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे 4 और 6 में भुज का मान क्या होगा,
डी नंबर में दोनों और डी नंबर में नन। तो इसमें क्या करेंगे, चार छह में भुज का मान क्या होगा, भुज का मान क्या होगा, एक्स एक्स को भुज, वाई एक्स को कोटि, तो एक्स एक्स का मान कितना है चार, तो ये आंसर चार होगा। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं बीच दूरी सूत्र, बीच दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए अब हम लोग सबसे पहले उसका सूत्र लिखेंगे और देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और आज के बाद आप लोग को ये निर्देशन ज्यामिति में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले अब पहला तो हम लोग चतुर्थांश देखें, अब देखेंगे बीच दूरी। तो बीच दूरी क्या होता है, सबसे पहले बीच दूरी जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये सूत्र होता है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये बीच दूरी का सूत्र है और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो जैसे कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आता है देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे कि मान लो ये एक शहर है और बी भी मान लो दूसरा शहर है, और इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। क्या करेंगे, मान लो इसका निर्देशांक दिया है दो और चार, इसका निर्देशांक मान लो दिया है तीन और छह, ऐसा निर्देशांक दिया है और बीच का डिस्टेंस चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये होता है x1 का मान, ये होता है y1, ये होगा x2, ये होगा y2। और कोई सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऐसा भी सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस मान पे बैठाएंगे, ए बी का दूरी चाहिए, ए बी का बीच का दूरी चाहिए, ए बी की बीच की दूरी बराबर, ए बी की बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, सबसे पहले तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी रहता है, सबसे पहले x2 का मान है 3 और x1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है 4। अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 3 और 2 में घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 6 में 4 घटाएंगे ये 2 का स्क्वायर होगा, और ये रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो रूट 5। तो ये जो है बीच दूरी निकला, ए बी बराबर 5 वर्ग मात्रक, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बीच दूरी निकालने का यही फॉर्मूला है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, बात करेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कोई भी अगर बीच दूरी दो पॉइंट दिया हुआ है और बीच का दूरी पूछे, यही सूत्र लगाना है। आप लोग यहां से जो है इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो इसको आप लोग रोक कर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु सूत्र के लिए अब बीच दूरी भी कंप्लीट हो गया, क्या पढ़ाए, चतुर्थांश पढ़ाए और क्या पढ़ाए, अभी बीच दूरी पढ़ाए, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाए। अब देखेंगे मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या होता है सही से देखो। तो सबसे पहले अब मध्य बिंदु के लिए अभी हम लोग बातचीत करेंगे मध्य बिंदु पे। सबसे पहले मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक लकीर है, मध्य बिंदु चाहिए, मध्य बिंदु, तो ये मान लो पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये मान लो इसका निर्देशांक दिया है दो और चार, इसका निर्देशांक दिया है चार और छह, इसका मध्य बिंदु चाहिए, मध्य बिंदु मतलब ये बीच का पॉइंट चाहिए। तो मध्य बिंदु का सूत्र लिखेंगे, मध्य बिंदु बराबर, तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, इसमें जब भी लिखा गया एक्स वाई के टर्म में लिखाता है, तो क्योंकि जब भी लिखते हैं तो वह निर्देशांक एक्स और वाई के टर्म में, तो ये क्या होता है सूत्र, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू, वाई वन प्लस वाई टू बटे टू, ये मध्य बिंदु सूत्र है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु सूत्र निकाल लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो
इस क्वेश्चन के लिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा, एक्स वाई तो दिया हुआ है, यहां लिख दो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब देखो ये एक्स वन होता है, ये वाई वन होता है, ये एक्स टू होता है, ये वाई टू होता है। तो सबसे पहले एक्स वन एक्स टू, एक्स वन का मान कितना है टू है, एक्स टू का मान फोर है बटे टू। अब देखो वाई वन का मान कितना है फोर, और वाई टू का मान सिक्स बटे टू। अब देखो यह लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु एक्स कॉमा वाई बराबर, तो चार दो छ बटे दो, ये छ चार दस बटे टू, इसको कटाएंगे ये थ्री होगा, इसको कटाएंगे फाइव आएगा। सबसे पहले मध्य बिंदु निकल गया इस क्वेश्चन का, तो एक्स वाई बराबर थ्री और पांच, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और मध्य बिंदु लगाकर इसको जो है बना देना है। एक आता है मूल बिंदु, अब मूल बिंदु पे बातचीत करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नोट कर लीजिए, और बाद में इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, फिलहाल अभी इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रिय दोस्तों। या अब देखते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु का सूत्र तो क्या क्या देखे अभी, चतुर्थांश देखे हैं, बीज दूरी सूत्र देखे, मध्य बिंदु देखे और मूल बिंदु देखेंगे, और चार फॉर्मूला आज देखे और चार फॉर्मूला कल देखेंगे, और पूरा निर्देशांक ज्यामिति जो आपका टेंथ क्लास का जो भी बच्चे हैं या उससे नीचे क्लास का, उसके लिए निर्देशांक ज्यामिति में यही आठों टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसी पर पूरे मैथ बनता है, और एक एक करके सभी प्रश्न को हम देखेंगे। तो अब मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु बराबर सूत्र होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु सूत्र होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जैसे कि क्वेश्चन आएगा दो चार का मूल बिंदु क्या होगा, दो और चार का मूल बिंदु क्या होगा, तो दो और चार का मूल बिंदु निकालेंगे, ये एक्स का मान ये वाई का मान, तो मूल बिंदु का सूत्र लगा देंगे। तो मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु बराबर इसको लिखेंगे रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर ये दो का स्क्वायर, वाई ये फोर का स्क्वायर, तो आप देखो टू का स्क्वायर फोर, और फोर का स्क्वायर कितना होगा 16, तो दोनों को जोड़ेंगे ये होगा 20। अब 20 का वर्गमूल निकालेंगे, दो से ये कितना होगा 10, फिर दो से 5, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर कर लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको जो है रूट में ही रहने देते हैं, ये 2√5 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2√5। इसी प्रकार से मूल बिंदु निकालते हैं, और अगले टॉपिक में जो बातचीत करेंगे, अभी हम चार टॉपिक पे बातचीत किए हैं, पहला अभी जो किए थे हम बातचीत चतुर्थांश पे, दूसरा बातचीत किए क्या चीज पे, बीच दूरी पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे, तीसरा देखे अभी मध्य बिंदु, और चौथा टॉपिक देखे मूल बिंदु, और कल और इससे रिलेटेड चार फॉर्मूला देखेंगे, वह होगा विभाजन सूत्र, लिख देते हैं विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, केंद्रक निकालने के लिए सीखेंगे, और आठवां जो सीखेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल केंद्रक हो गया, और एक जो होता है ये त्रिभुज का किस प्रकार से ये संरेखी है या नहीं उस पर बातचीत करेंगे, संरेखी एक समदूरस्थ से क्वेश्चन आता है, इस पर बातचीत कल करेंगे, और अगले
जो है ये चारों सूत्र को हम लोग अच्छे से जो है डिटेल से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें इसी प्रकार से वीडियो को पाने के लिए। आप लोग जो है इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग को आज के बाद ये निर्देशांक ज्यामिति काफी आसान लगेगा और पहला जो सबसे पहला चतुर्थांश टॉपिक पढ़ाए थे इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसको आप लोग सही से अध्ययन कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले पार्ट में मिलते हैं।